सबसे पहले स्वामी जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। कट्टरता का ये तनाव, गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के नाम पर धर्मांतरण, उत्तराखंड में लव जिहाद, दमोह में हिंदू बहनों को हिजाब पहनाना, श्रीनगर में अबाया पहनने की जिद, महाराष्ट्र में औरंगजेब, ये कट्टरता के ये प्रयोग क्यों? स्वामी जी आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं कि ये चल तो बहुत समय से रहा था दीपक भैया, पर हां यह है कि अब आप लोगों के कारण, मीडिया के कारण यह सामने आने लगा है, दिखने लगा है। और रही बात दमोह की, तो मैं देख रहा था कि अधिकांश जब चर्चा हम लोगों की होती है ना, तो उस चर्चा में होती है गंगा यमुनी तहजीब। अगर मैं गलत ना हूं तो आप जरूर, कहीं गलत हूं तो टोकिएगा, कि गंगा यमुनी तहजीब की बात होती है। और जिस स्कूल में बच्चों को आयतें पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था, और जिस स्कूल में बच्चों को कहा जा रहा था कि आप हिजाब पहनिए, क्या होता है जो ये पहनते हैं हिजाब मुंह पर हिजाब, बोले हिजाब पहनिए, हिजाब पहनिए। सोचिए गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर अब हिजाब पहनाने का सिलसिला और शुरू हो गया। हाथरस में एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस करा रहे थे, और ऐसी ही स्थिति जो गेम के जरिए, आप समझ रहे हैं कि ये कितना गंभीर है कि बच्चे इस देश का एसेट्स होते हैं, इस देश की धरोहर हैं बच्चे, आप उन बच्चों को गेम के जरिए गेम में फंसा रहे थे, और आप उनको क्या कि कोई स्टेज पार करने के लिए आपको आयत पढ़नी पड़ेगी, और आयत पढ़ने के बाद वो स्टेज पार हो जाती है। इसमें 440,000 कितने होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जिस प्रलोभन के साथ ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है, और एनआईए की इन्वॉल्वमेंट इसमें भविष्य में जो होने होती दिख रही है, मैं देश के लिए भयावह मानता हूं। और ये जिस प्रकार चल रहा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिट याद है कि फोर्सफुली आप कुछ भी ऐसा करते हैं धर्मांतरण को लेकर, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है दादा, तो हाउ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, मैं यहीं से चलता हूं। दानिश कुरैशी जी बताइए, आपने सुना तो आपको शर्म आई कि गेमिंग ऐप के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है? शर्म आई दानिश कुरैशी आपको? 8 साल के, 10 साल के मासूम, शर्म आई या नहीं आई, ये बता दीजिए हाँ या ना में। अरे देखिए दीपक जी, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कि अगर इतना सब कुछ चल रहा है, और जिन जिन राज्यों में ये बात कर रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सर हो रही है कार्रवाई, हो रही है तभी पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो रही है तभी पकड़े गए हैं, शहनवाज की तलाश जारी है, पाकिस्तान तक तार मिले हैं। अब दरअसल ये तार तो इतने सीधे हो गए कि जरा जरा में वहां चले जाते हैं, जरा जरा में चले जाते हैं, फिर हाथ में कुछ नहीं निकल के आता। तो दिक्कत क्या है कि जब चीजें निकल के आती हैं तो आप अगर एक गुजरात का एक इंसिडेंट बताऊं, जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि भाई धर्मांतरण जो है वो यहाँ चल रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 60-70-80 लोगों को उसमें बिल्कुल ट्रैप में लगाया गया था, और बताया गया था कि कहाँ कहाँ तक उसके तार जुड़े हैं। अल्टीमेटली उसमें अदालत ने ये फैसला दिया। आपको डिफेंड करना है, करिए, पर बेसिर पैर की बात तो मत करिए ना। बात ही नहीं है, सुनिए, पता नहीं कौन सा गुजरात का किस्सा है, कौन सी बात कर रहे हैं, ना कोई तारीख है, ना कोई जगह है, ना कोई नाम है, हवा में लटके मारे जा रहे हैं। अरे आपके आपके चैनल पे उसका वो बता दूंगा, जिसके अंदर में 70-80 लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। सर अभी इसकी बात करिए गेमिंग ऐप वाले की, सबूत है, बंदा गिरफ्तार है, इमाम को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अच्छे नहीं निकला, देखिए गिरफ्तार करना तो अदालत का, पुलिस का काम है, उनको करने दीजिए, अदालत जो फैसला करेगी वही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली निकल के तो अभी तक कुछ भी नहीं आता। अच्छा नहीं, ये कल के मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजहबी धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, ये शहनवाज आरोपी तस्वीर चला रहा हूँ, पुलिस के साथ घूम रहा है, बता रहा है कहाँ कहाँ गया, किस मस्जिद में बच्चों को ले गया, कैसे धर्म परिवर्तन किया, और वो चैट भी दिखा दीजिए क्या बताया जाता था। मतलब आपको कुरान की आयतें पढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए इस्तेमाल करने की इजाजत, गेमिंग ऐप के जरिए आप उनको गुमराह कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेशर्मी के साथ आप उनको डिफेंड कर रहे हैं कि कुछ निकलता ही नहीं ऐसे मामलों में। कौन गुमराह कर रहा है, लाइए तो आप लाइए तो सही। अरे सर वो पुलिस की गिरफ्त में है शहनवाज, बता रहा है सर, तोते की तरह पढ़ रहा है। पुलिस की गिरफ्त अदालत का पे, अदालत के सामने आने दीजिए मामला। अरे आएगा भाई, अदालत के सामने भी आएगा, इससे पहले किससे बता दूंगा मैं। और ये शिकायत किसी और ने नहीं की, परिवार ने की है, जिसमें मैक्सिमम शहनवाज फरार है, गाजियाबाद में जो लड़का है वो गिरफ्तार है,
अरे गिरफ्तार है, अच्छी बात है, अदालत के सामने जाने दीजिए उसको, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुरादाबाद में भी हुआ है, मौलाना पर महिला के धर्मांतरण का आरोप है। बिल्कुल, मौलाना के ऊपर ये आरोप रहेंगे, और दूसरी तरफ एक धर्म गुरु पूरे देश में ये कहेंगे कि देश में हम हिंदू राज्य खत्म कर देंगे, उस पे बात नहीं होगी, उस पे कोई चर्चा नहीं होगी, उस पे कोई बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं बच्चों को बरगलाने बहलाने और बच्चों के बचपन को खराब करने की बात, लेकिन दानिश भाई जो है वो उसको बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। दीपक जी सबसे पहले तो मैं रुक जाइए, दानिश भाई आप ही को सुन रहा था, बताइए श्रीराज जी, और ये कह रहे हैं कि हिंदू भी धर्म परिवर्तन कराते हैं। दीपक जी सबसे देखिए दीपक जी सबसे पहले ये कह दूं, ये खूंखार वैशी दरिंदे इस्लामिक आक्रांताओं ने जब पूरे विश्व को का धर्मांतरित किया या सभ्यताओं को नष्ट किया, भारत को ये कुछ नहीं कर पाए। पहले तो ये नपुंसक जिस प्रकार से अलग अलग ओछी हरकतों से धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इक्का-दक्का कर रहे हैं, उसको भी हम खत्म करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, योगी सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इनको हम अपील फिर पुनः एक बार अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर और कड़ी से कड़ी, इनको नस्तो नाबूद होना आवश्यक है। ये गंगा जमनी तहजीब की बात जो करते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार और केरला के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा मांग की थी, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान ही सबसे ज्यादा आगे थे टू नेशन थियरी के लिए और पार्टीशन के लिए। तो ये इनकी हरकत है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको पूरी गहरा पूरे सरकार के कानून के अंतर्गत इनसे निपटना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, ऐसे दरिंदों को शूटेड साइड होना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वापस चलता हूँ दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश कुरैशी जी बताइए, इनके पूर्वज इनके क्या ये आपके मजहब के लिए शर्मनाक नहीं है दानिश कुरैशी जी, और करते क्यों है ऐसा मुझे समझ नहीं आता। बाबर से लेके औरंगजेब तक और आज ये बाकी लोगों तक जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिसमें एक मुख्य आरोपी इसका शहनवाज है। ये रही वो एफआईआर जिसमें 100 लोगों के ऊपर आरोप लगाया था गुजरात पुलिस ने, और इसमें निकल के क्या आया, जब अदालत ने ये कहा कि भाई आपने जो भी तथ्य पेश किए हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, ऐसा कोई सा भी फूल लहरा दीजिए, किसी को याद है कोई एग्जांपल, याद है स्वामी दीपंकर जी ऐसा कोई एग्जांपल याद है जो दानिश कुरैशी बता रहे हैं, याद है आपको? तो जब आपको बता रहा हूँ तो आप सुनने को तैयार रहिए दीपक जी, बताइए। दीपक बाबू सर, हवा में लठ चलाएंगे तो लठ किसी को नहीं लगेगा, ऐसे विषय पर मतलब किस बेशर्मी से आप डिफेंड कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के साथ खेला जा रहा है, लेकिन दानिश कुरैशी बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं उसको। ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, दानिश भाई बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा, दानिश भाई अपनी बारी में बोलिएगा ना। मुझे दिल इस बात से दुखा कि जो प्रत्यक्ष को कहते हैं, हमारे अप्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब टेलीविजन पर चल रहा है, लेकिन आप कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं। मतलब आपकी कौम कब तक शुतुरमुर्ग बन के रहेगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। हकीकत देख के ही सर जो है जमीन के अंदर गाड़ लो। नहीं, वो आपको आपको बेशर्मी आती होगी, हमें तो देखिए, हम तो जब बात करते मतलब माफ कीजिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आज आज बच्चों को लेकर मेरा मन बहुत दुखी है। ये तो चाहते हैं जिस प्रकार से ये फेल हो गए, एक अपमान भरा जीवन जी रहे हैं, इनकी हालत क्या है?